नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में सुदामा चरित नरोत्तम दास खंड काव्य में 40वीं व्याख्या बताने जा रही हूँ। बालपन के मित्र हैं कहाँ देवू में शाप, जैसो हरि हमको दियो तेसो पई है आप। नौगुण धारी छगुन सो तिगुने मध्य में आप, लायो चापल चौगुनी आठों गुन्नी गवाए। और कहाँ कहिए दशा कंचन ही के धाम धाम, निपट कठिन हरि को हियो मोको दियो नदाम। बहु भंडार रत्नन भरे कौन करे अब रोष, लाग आपने भाग को काको दीजिए दोष। कहने का तात्पर्य यह है, नौगुणधारी माने नौ तार का यज्ञोपवीत धारण करने वाला, शगुन माने ब्राह्मण के छह गुण वजन यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, त्रिगुण माने तीन गुण यजन पठन दान क्षत्रिय के गुण, चापल माने चपलता चंचलता माने, आठों गुणनी माने आठ गुण विवेक वैराग्य संपत्ति मुमुक्षता श्रवण मनन निरिध्यासन समाधि, थाम माने खंभा, दाम माने धन और भाग माने भाग्य। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास विरचित सुदामा चरित से उद्गत है। सुदामा जी कृष्ण के यहाँ से विदा होकर लौटने लगे तो कृष्ण द्वारा विदाई के समय कुछ न दिए जाने से दुखी होकर सोच रहे थे कि उन्हें कृष्ण पर क्रोध भी आ रहा था। उसी संबंध में यहाँ का वर्णन किया गया है। बालपन के मित्र हैं कहाँ देवू में शाप। सुदामा सोचने लगे कि पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लेकर मैं यहाँ आया था, लेकिन मेरी सभी उम्मीदों पे पानी फिर गया और मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। वो कहने लगे कि हम बचपन के मित्र हैं, मैं श्री कृष्ण को श्राप भी नहीं दे सकता हूँ। श्राप देना तो ठीक नहीं, इतना तो कह सकता हूँ कि जैसा भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया है वैसा ही वे भी प्राप्त करें। जैसा हरि हमको दियो तेसो पहिए आप, कि हरि जो तुमने मुझे दिया है वो तुम्हें भी प्राप्त हो। नौ गुण धारी छगुण सो तिगुणे मध्य में आप, मैं नौ गुणों या सूतों वाला यज्ञोपवीत धारण करता हूँ। ब्राह्मण होने से मुझ में लायो चापल चौगुणी आठों गुणनी गवाए, कि ब्राह्मण होने से मुझ में कर्तव्य यजन आदि छह गुण हैं। ऐसा मैं विवेक वैराग्य आदि आठ गुणों को छोड़कर तीन गुण दान आदि से युक्त इस आठों गुण गवाए, आठों गुणों को गवा कर और कहा कहिए दशा कंचन ही के दाम। इस कृष्ण की दशा का कहाँ तक वर्णन करूँ, इनके घर के खंभे जो हैं वो सोने के हैं और कहाँ कहिए दशा, इनकी दशा का वर्णन मैं क्या करूँ। कंचन ही के धाम, इनके घर के जो खंभे हैं वो सोने के हैं, अर्थात महल जो हैं वो सोने से निर्मित हैं। निपट कठिन हरि को हियो मोको दियो नदाम, इस कारण धन का कोई अभाव नहीं है किंतु इनका हृदय तो बहुत ही कठोर लगा। निपट कठिन हरि को ही हो, निपट माने बहुत अत्यंत कठिन है इनका हृदय जो है। मोको दियो न दाम, मुझे उन्होंने कुछ भी दान दक्षिणा नहीं दी। बहु भंडार रत्नन भरे, उनके भंडारों में बहुत से रत्न भरे हुए हैं। कौन करे अब रोष, किंतु इन पर क्रोध करने से भी क्या लाभ। लाग आपने भाग को काको दीजिए दोष,
सब अपना भाग्य ही ऐसा हो तो हम किसी पर क्रोध और किसी को दोष कैसे दे सकते हैं। धन न मिलने से सुदामा की जो मानसिक स्थिति हुई है उसकी कल्पना यहाँ पर बताई जा रही है। एमी सोचत सोचत जखत आयो निज पुर तीर, डिटी पड़ी एक बार ही है गयंत को भीर। हरि दर्शन से दूरी दुख भयो गए निज देश, गौतम ऋषि को नाऊ ले कीनो नगर प्रवेश। वैसे ही राज समाज बने गजबाजी घने, मन सभ्रम छायो वैसे ही कंचन के सब धाम की थो, फिरी द्वारिके ही फिरी आयो। भोन विलोकन को मन लोचन सोचत ही सब गांव मंझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी की कहू खोज न पायो। इमी माने ऐसे यानी किस प्रकार, है गयंद माने घोड़े हाथी, बाजी माने घोड़े, सभ्रम माने भ्रम की स्थिति, किंदो माने अथवा, विलोकन माने देखने के लिए, मंजायो माने घूमना, खोज माने निशान। प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास के सुदामा चरित काव्य से उद्गृत है। कृष्ण से बिना धन प्राप्त किए लौटते हुए क्रोधयुक्त सुदामा तरह तरह से सोचते हुए आ रहे थे, उसी क्रम में यहाँ वर्णन किया गया है। इमी सोचत सोचत जगत आयो निज पूर्ति, सुदामा विचार करते हुए खींच उठते हैं। इसी प्रकार सोचते विचारते वह अपने पूर्ति अपने गांव की सीमा में आ जाते हैं। डीटी पड़ी एक बार ही है गयंत की भीर, उनकी दृष्टि वहां सहसा घोड़ों और हाथियों की भीड़ उनको दिखाई पड़ती है। सुदामा को श्री कृष्ण से अलग होने पर जो दुख हुआ था वह अपने देश या गांव आने पर मिट गया। हरि दर्शन से दूरी दुख भयो गए निज देश, जैसे वो अपने देश में पहुंचा उससे मन में उसके मन से हरि का जो दूर होने का दुख था वो तुरंत ही दूर हो गया। गौतम ऋषि को नाव ले कीनो नगर प्रवेश, उन्होंने गौतम ऋषि का नाम लेकर अपने नगर में प्रवेश किया। नगर में उन्होंने जब वैसा ही राज सम्मान देखा, उसी प्रकार हाथियों घोड़ों की भीड़ देखी तो उन्हें भ्रम हो गया कि महल भी उसी प्रकार के सोने के बने हुए थे। वैसे ही राज समाज बने गजबाजी घने, मन सभ्रम छायो वैसे ही कंचन के सब धाम, सोने के सारे महल वैसे ही बने हुए थे। फिर ही द्वारिके ही फिरी आयो, ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं फिर से द्वारिका में ही तो नहीं आ गया हूँ। भौन विलोकन को मन लोचन कि इस सारे गांव का चक्कर लगाते हुए सुंदर भवनों को देखते हुए उनका मन और नेत्र आकर्षित हो रहे थे। पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी की कहूँ खोज न पायो, उस मनोरम दृष्टि देखकर आश्चर्य हो रहा था कि गांव में घूमते हुए सुदामा पांडे सबसे पूछ रहे थे किंतु उन्हें अपनी झोपड़ी का कोई पता नहीं मिल रहा था। उनकी झोपड़ी कहाँ है वह इस बात से भी बहुत अनजान थे। कहने का तात्पर्य यह है कि सुदामा को अपने नगर में वैसे ही ठाट बाट दिखाई दिए जैसे उन्होंने अपने द्वारका में अपने हरि के पास देखे थे। तब उन्हें लगा कि मैं कहीं द्वारिका में तो वापस नहीं आ गया हूँ। यहाँ पे संदेह और अनुप्रास अलंकार क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार दिखाई दे रही है। इसकी नेक्स्ट व्याख्या है, देवनगर के जजपुर हो भटक्यो कित आए, नाम कहाँ यही नगर को सोन कहो समुझाए। सोन कहो समुझाए नगरवासी तुम कैसे,
पथिक जहाँ झंकई तहके लोग अनेशे, लोग अनेसे नाही लखो द्रिजदेव नगर के, कृपा करी हरि देव दियो हैं देव नगर के। दशपुर माने यक्षपुरी, अलका नगरी, हो माने में, कित माने किधर, यही माने इस, सो माने वह, जंकई माने खींचता है, अनेसे माने बुरे, लखो माने देखो। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण नरोत्तम दास के सुदामा चरित से उद्गत है। सुदामा द्वारका से चलकर जब अपने नगर के पास आते हैं तो उसे द्वारका से महल, हाथी, घोड़े आदि दिखाई देते हैं। उसे भ्रम हुआ कि कहीं फिर द्वारिका ही तो नहीं आ गए हैं। उसे अपनी झोपड़ी भी नहीं मिल रही थी। इसी क्रम का यहाँ वर्णन किया गया है। देखिए, देवनगर के जचपुर हो भटक्यो कित आए, नाम कहाँ यही नगर को सोन कहो समझाए। सुदामा सोचने लगे कि यह देवनगर है या यक्षपुरी अलका है, मैं न जाने कहाँ भटक गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ। सोन कहो समझाए नगरवासी तुम कैसे। उसने कहा कि आप नगर का सही नाम नहीं बतलाते हैं, तुम कैसे नगरवासी हो। जहाँ बाहर से आया यात्री खींचता हो वहाँ के लोग बुरे कहे जाते हैं। पथिक जहाँ झंकही तहाँ के लोग अनेशे, लोग अनेशे नाही लखो द्रिजदेव नगर के। लोगों ने सुदामा से कहा कि लोग बुरे नहीं हैं, हे ब्राह्मण देव आप नगर को अच्छी तरह देखिए। उन्होंने कहना चाहा कि यह नगर तो आपका ही है, कृपा करी हरिदेव दियो हैं देव नगर के, किंतु बदला हुआ होने से आप इससे कोई दूसरा नगर मान रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हरि ने आप पर दया कृपा दृष्टि करी है और इस आपके इस नगर को देवताओं के नगर के समान बना दिया है, इसलिए आप यहाँ की ऐसी छटा देखकर इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। इस व्याख्या में कवि ने भ्रम में पड़े सुदामा के बारे में वर्णन करते हुए मानवीय दृष्टिकोण का उल्लेख किया है। यात्री की सहायता करना नगरवासियों का धर्म है। यहाँ संदेह अलंकार है और इसकी योजना बहुत ही यतिगति उचित है। धन्यवाद।